ओके जी, तो आज मेरे पास में हीरो का नया 110 सीसी का स्कूटर जिसका नाम है हीरो जूम। अब जूम जो है ये नाम आपको शायद थोड़ा सा फंकी लग रहा होगा, बट खास बात इस स्कूटर के अंदर ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आते हैं। वो फीचर्स की भी हम बात करने वाले हैं और प्रॉपर वॉक अराउंड की बात करने वाले हैं। आज मैं इसको चला नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास हेलमेट जो है वो गोप्रो लगाने वाला सेटअप अभी नहीं है, घर भूल गया हूँ मैं, तो फिर कभी चलाएंगे। बट आज इसके प्रॉपर वॉक अराउंड की बात करने वाले हैं, क्या फीचर्स आते हैं, क्या कलर्स हैं, और इसके अंदर आपको तीन वेरियंट मिल जाते हैं, एलेक्स, वीएक्स और जेडएक्स। ये मेरे पास में जेडएक्स के अंदर टॉप मॉडल ऑब्वियसली ये है और ये मैट ऑरेंज कलर है, ये आप देख पा रहे, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जेडएक्स की बात करूँ तो इसकी प्राइस लगभग ऑन रोड दिल्ली के अंदर लगभग 92,000 मतलब 92,000 रुपये तक आपको ये स्कूटर मिल जाता है। अंडर 1 लाख के अंदर ये स्कूटर आपको आ जाता है, मोटा मोटी बात ये है। बाकी एलेक्स और वीएक्स के अंदर आपकी प्राइस डिफरेंस होती रहेगी और उन सब की अपन बात करने वाले, अंदर भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगा कि एलेक्स के अंदर क्या फ़र्क है, वीएक्स के अंदर क्या फ़र्क है, बट ये वीडियो प्रॉपर आपको जेडएक्स के लिए होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वॉक अराउंड। ओके, तो एक बार मैं आपको स्कूटर है वो चारों तरफ से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मूव होने के लिए स्पेस कम है, इसलिए आप एक बार सामने से यहाँ से देखिए, और साइड से है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और पीछे अगर मैं आऊँगा तो आपको ये सारा कुछ व्यू आता है, और ये पीछे का एक दूसरा एंगल है, उस तरफ से आपको कुछ ऐसा ये दिखता है। अब प्रॉपर मैं सामने की तरफ से स्टार्ट करता हूँ वॉक अराउंड। तो ये मैट कलर है, ऑरेंज कलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। स्क्रैच वगैरह इतने ज़्यादा आपको इसके अंदर दिखेंगे नहीं, ये मैट कलर की हमेशा एक अच्छी खासियत होती है। सबसे पहले आपको ये अलग सी फिनिश आपको दिखती है, ये आपकी ग्लोसी फिनिश के अंदर है और आपके बोल्ट वगैरह इसके एक्सपोज्ड आपको यहाँ पे दिखते हैं। फिर अच्छे खासे क्रीजेज आपको पूरे के पूरे फ्रंट साइड के अंदर मिलने वाले हैं, ऊपर और नीचे। काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक डिज़ाइन है इसको आप बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेज आपको इस तरफ दिखते हैं। यहाँ पे आपको 3D के अंदर क्रोम में हीरो का बढ़िया सा लोगो मिल जाता है, और ये कुछ आपको ब्लैक, पियानो ब्लैक जैसी आपको फिनिश आपको सामने मिल जाती है। और यहाँ पे आओगे ना तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी है, ये तो DRL है, एच शेप का सिग्नेचर DRL जो आजकल हीरो का आता है, आप पैशन के अंदर देखते हो और ये अपनी ग्लैमर एक्सटेक उसके अंदर भी देखते हो, और हीरो की वीडा के अंदर भी शायद कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ फिनिश आता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार मैं इसके आपको प्रोजेक्टर, ये जो LEDs है इसको आप मैं ऑन कर देता हूँ, फिर आप प्रॉपर इसका जो रोबोटिक शेप है उसको देखिएगा। ये देखिए, ये अब प्रोजेक्टर जलने के बाद में और DRL के साथ में कुछ ऐसा ये फिनिश आता है सामने की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पूछो मत कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मैं पूरे दिन इसको देख सकता हूँ। बाकी छोटे मोटी फिनिश है आपको इस तरफ भी मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब 110cc के अंदर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न दिखने वाला स्कूटर ये बन गया है। और इंडिकेटर अगर मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, तो ये आपको यहाँ पर हेलोजन ही आते हैं, कोई भी हज़ार लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और एक बार मैं इंजन है इसका बंद कर देता हूँ, सामने आपको जूम का जो स्टिकर है वो यहाँ पे दिख जाता है, और मडगार्ड भी आपको सामने की तरफ आपको ऑरेंज मिलेगा, और पीछे की तरफ ये कुछ ऐसा सिंपल सा फिनिश आता है, और ये यहाँ पे भी कुछ अलग सी फिनिश दी गई है, जो बोल्ट्स आपके एक्सपोज यहाँ पे रखे गए हैं। और बाइब्रिक की ब्रेकिंग है, 190mm की डिस्क आपको सामने मिलती है, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। डायमंड कट की बात ही अलग होती है। टायर की बात करूँ तो इसके अंदर 1990/12 inches के व्हील्स है, और यूरो ग्रिप के टायर आपको इस्तेमाल इसके अंदर हुए हुए दिखते हैं, और इस तरफ भी आपको ये रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। और सामने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो ये है कि भैया ये सारा मामला तो सिंपल है, आपने देखा है, बट 110cc के स्कूटर के अंदर आपको पहली बार कॉर्नरिंग लैंप वो मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अलग से आपको लाइट दिख पा रहे हो, और सेम गोज़ टू दिस साइड, यहाँ पे भी आपको ये कॉर्नरिंग लैंप वो दिखता है। तो 110cc के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा होगा स्कूटर के अंदर कि आपको ये कॉर्नरिंग लाइट वो दिखती है। जब एक लीन आप स्कूटर जब करते हो ना, तब आपकी हेडलाइट तो जलती है, बट जिस तरफ आप लीन करोगे ना उस तरफ आपका ये कॉर्नरिंग लाइट वो भी ऑन हो जाएगी। बट ये आपका टॉप मॉडल के अंदर ही आएगा, जेडएक्स के अंदर, एलेक्स और वीएक्स के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात है, बट दिया गया है, और हीरो की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है ये, सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ ये है। और ये वाला मामला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इस एंगल से देखोगे ना तब भी आपको काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीजेज आपको
इस तरफ दिखने वाले हैं और ये बढ़िया मामला मेरे को यहाँ पे लगता है। स्कूटर की सबसे खास बात ये कि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बाकी i3s की आपको बेजिंग इस तरफ दिख जाती है और सामने की तरफ अगर मैं कुछ भूल गया तो मुझे बताइए। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर मैंने कर लिया है। अब इस तरफ आ जाता हूँ, लाइटिंग थोड़ी सी अच्छी है। यहाँ पे ये जो ग्लो बॉक्स है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और ये ZX के अंदर ही आपको मिलने वाला है। और थोड़ा सा स्पेस आपको फुल फ्लोर बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसा स्पेस मिलने वाला है। और यहाँ पे USB चार्जर है, वो भी देखिए यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ है। यहाँ चार्जर लगा के आप अपना फ़ोन जो है यहाँ पे ग्लोव बॉक्स के अंदर रख सकते हो और इनफ डीप है, छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो, दूध की थैली रख सकते हो, सब्ज़ी रख सकते हो और अपना फ़ोन ऑब्वियसली यहाँ पे आप रखने ही वाले हो। चाबी है कुछ यहाँ पे लगने वाली है और कुछ इस तरीके की चाबी आती है यहाँ आपको लगाने का। और ये थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे हाथ वाथ अपना घूमने का यहाँ पे लग जाता है। और ग्लो बॉक्स है वो थोड़ा ओड नहीं लग रहा है, मतलब प्रॉपर जो डिज़ाइन के साथ में जा रहा है, मतलब थोड़ा सा एच यहाँ पे आपको बना दिखता है। ये थोड़ा मतलब डिज़ाइन लैंग्वेज है, हर जगह पे इस्तेमाल की गई है, काफ़ी सिमिलर सी आपको दिखने वाली है। और ये सीट है ये ZX के अंदर कुछ इस तरीके की आती है। सामने ये डॉटेड वाला आपको राइडर के लिए टेक्सचर मिलता है और पिलियन के लिए है कुछ इस तरीके का टेक्सचर मिलता है। और काफ़ी ड्यूअल टोन आप फिनिश इसको बोल सकते हो, टेक्सचर बोल सकते हो ड्यूअल टोन। पीछे की तरफ आपको थोड़ा पिलियन के लिए है, थोड़ी इसको क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, बट इसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, यह बात आप समझ लीजिए। और आपको लगा होगा कि इसके अंदर ग्रैब रेल क्यों नहीं है, हालांकि ग्रैब रेल है बट ये यहाँ इंटीग्रेट किए गए हैं। ये देखिए इसके अंदर ही ये ग्रैब रेल है, तो काफ़ी अच्छा फिनिश है, नीट लुक आता है इस तरफ से। आप देखिए काफ़ी नीट लगता है, ऐसा लगता है ही नहीं ग्रैब रेल, बट काफ़ी अच्छी तरीके से ये बॉडी पैनल के साथ में ही इंटीग्रेट किया गया। ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेटल है और ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट आपको फाइबर आता है। तो अपन यहाँ पे थे तो इधर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और आप अगर आपको कुछ लगाना है, कुछ टो करना है सामान वगैरह, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें दी गई है, यह सारा मामला है। अब आप ऊपर आते हो ना तो ये आपको इस तरफ ऑब्वियसली आपको ब्रेक और सामने का फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक वगैरह मामला आ जाता है। इधर मैं देखूंगा हाई बीम लो बीम और पास का स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न। इस तरफ आपको i3s की आपको सुविधा मिल जाती है ZX के अंदर और ये स्टार्ट करने के लिए आपको बटन मिल जाता है और ये अपने मिरर्स वगैरह कुछ ऐसे आते हैं। अब ये जो बात है ना, इसके अंदर भी आपको कुछ वेरियंट वाइज फ़र्क मिलेगा। ये ZX का टॉप मॉडल है इसलिए आपको ये कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। अब ये ZX है ना तो इसके अंदर जो आपको लाइटिंग है ना, ये आपको ब्लू कलर की आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसी लाइटिंग आती है। इससे नीचे वाला जो अपना VX आता है उसके अंदर एम्बर कलर की लाइटिंग आती है और उससे भी नीचे आपको LX जो आता है उसके अंदर सेमी डिजिटल ये स्पीडोमीटर आपको आ जाता है। तो ये सारे फ़र्क आपको वेरिएंट वाइज मिलने वाले हैं। तो अब इस स्क्रीन के अंदर क्या सारी चीज़ें आती है, सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको टेल्टेल लाइट वगैरह जो i3s की और लो फ्यूल की वार्निंग वगैरह जो आती है वो सारी चीज़ें आ जाती है। इधर आपको फ्यूल मीटर दिखता है, यहाँ पर आपका टाइम दिख जाता है, इस तरफ आपकी ट्रिप वगैरह दिख जाती है। इसको आपको मोड वाले बटन को दबाओगे तो आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है जो अपनी रियल टाइम आ रही है वो सारी आपको दिख जाएगी जब आप स्कूटर चलाओगे। ओडोमीटर अभी 0 किलोमीटर पे है, कुछ यहाँ पे डिवाइड रखने के लिए कुछ ग्राफिक्स है। इस तरफ आपकी स्पीड वगैरह दिख जाती है और अगर मेरे को इसको ट्रिप वगैरह को रीसेट करना है तो सेट का बटन मेरे को यहाँ पे दिख जाता है, इसको मैं यहाँ से रीसेट है वो कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कैसा दिखता है, फीचर्स वगैरह हो गया, बट एक अच्छी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि इसके अंदर ब्लूटूथ की सुविधा आपको मिल जाती है। आजकल बिल्कुल नॉर्मल हो गया ब्लूटूथ आना, तो इसके अंदर ब्लूटूथ आ जाता है जिसके कारण अपना कॉलर ID, SMS अलर्ट वगैरह वो सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा जैसे ही आप ब्लूटूथ इसका ऑन करेंगे और कनेक्ट वगैरह करने के बाद में। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें आती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये लगता है कि थोड़ी सी स्क्रीन का जो प्रॉपर LCD स्क्रीन का जो एरिया ना, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी ठीक है। और ये वाला मामला है आपको क्रोम वाला है थोड़ा सा आपको, अरे भाई क्या कर रहे हैं, तो ये क्रोम वाला मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, प्रीमियम लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपकी फुट पैग है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा ये टेक्टाइल फीडबैक आपको यहाँ दिख जाता है। और ये थोड़ा सा कट है बॉडी के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखता है और ये अंदर से हवा इसके अंदर से चली जाती है और यहाँ से निकल जाती है। आई थिंक ये वर्किंग है नहीं है समझ में नहीं आ रहा, अंदर उंगली नहीं जा रही, बट ये है कि इस तरफ आपको एयर जाने की जगह है, यहाँ पे चली जाती है। बाकी काफ़ी अच्छी फिनिश आपको यहाँ पे भी दिखती है। जूम जो है भैया ये आपको इस तरीके से लिखा रहता है, Zoom X Take आपको यहाँ पे लिखा रहता है। और ये जो देखो एयर फिल्टर आपको यह बाहर ही आपको दिखता है,
तो इंजन हो गया और इंजन के इस तरफ, अच्छा इंजन से याद है ये आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों दिखते हैं, अभी इसके अंदर ये साइड स्टैंड लगा हुआ नहीं है, बाकी आपको मेन स्टैंड यहाँ पे पीछे की तरफ दिख जाता है। इंजन है यहाँ पे, आपको हीरो का लोगो आपको दिख जाता है, किक भी आपको दिखता है और एयर फिल्टर, मतलब एयर फिल्टर बाहर शायद मैंने किसी पहली बार ही किसी स्कूटर के अंदर देखा है, इस तरफ आपको ये एयर फिल्टर वगैरह चीज़ें दिख जाती है। और सस्पेंशन आपको पीछे की तरफ सिंगल मिलता है, काफ़ी बढ़िया ये काम करता है कंपनी के हिसाब से। पीछे की तरफ आपको इंजन दिखता है, इंजन जो है इसके अंदर एक खास बात यह है, सेगमेंट फर्स्ट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इंजन के बारे में, तो 8 BHP की पावर और 8.5 NM का टॉर्क है, ठीक है। बट कंपनी क्लेम करती है कि भैया ये फास्टेस्ट 0-60 वाला स्कूटर है और 9.3 वो बता रहे हैं कि 9.3 सेकंड के अंदर ये 0-60 है वो अचीव कर लेता है कंपनी के हिसाब से, ये इंटरनल टेस्टिंग के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट 110cc स्कूटर वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और पीछे आपको ये ड्रम ब्रेक का ये 130mm का दिख जाता है और पीछे वाला जो टायर है ये भी सेगमेंट फर्स्ट है कि इतना चौड़ा टायर आपको 110cc के अंदर दिखता है। यूरो ग्रिप का ये टायर है और इसकी रेटिंग है 180/12 inch, तो 12 इंच का ये आपको अलॉय व्हील्स मिलता है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है और ये आपको 100 सेक्शन का मिलता है, तो 100 सेक्शन का टायर है ये, कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है 110cc के अंदर। बाकी जो ये ZX है इसके अंदर ही आने वाला है टायर, चौड़ा टायर है 100 सेक्शन का, बाकी जो नीचे वाले वेरिएंट है उसके अंदर आपको 90 के मिलने वाले हैं, जैसे सामने की तरफ आपको टायर आ रहा था वैसा ही पीछे वाला टायर आपको मिलने वाला है, जो लोअर वेरिएंट आपको इससे नीचे आने वाले हैं। और ये जो मफलर है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, देखिए पूरे डिज़ाइन के साथ में जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये मफलर यहाँ पे लग रहा है, एग्जॉस्ट वगैरह कुछ यहाँ पे है और आपको सुनाऊँ एग्जॉस्ट का नोट तो वो कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, मतलब माइक इस तरफ है तो आपको माइक घुमा देता हूँ एक बार, तो कुछ इस तरीके का इसका एग्जॉस्ट का नोट है वो आ जाता है। और पीछे की तरफ मैं देखूँगा तो ये एस शेप की ही आपको LED दिखने वाली है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, मतलब ये ग्रेब रेल, ये एच, मतलब और ये इसके साथ में जो कट्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब डिज़ाइन के मामले में ना ये स्कूटर ने कहीं पे भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप ये मफलर की बात कर लो, आप इसको भी देख लो, मडगार्ड को देखो, यहाँ पे भी थोड़ा आपको एच मिलेगा, मतलब हर जगह पे कट्स एंड क्रीजेस आपको इस्तेमाल दिखते हैं और इंडिकेटर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये देखिए गजब। हालांकि ये हेलोजन ही है बट इसका जो ग्लास है उसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छी क्रीज मिलती है, काफ़ी उठा हुआ ही लगता है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये काफ़ी अच्छा टच करने के अंदर है, मतलब हर जगह पे आपको कट्स एंड क्रीजेज है, ये देखिए हर जगह पे कट्स एंड क्रीजेज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। LED का इस्तेमाल आपको यहाँ पे मिलता है और ब्रेक लाइट आप जलाओगे तो वहाँ पे अलग से आपको ये लाइट है वो दिख जाएगी, तो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है स्कूटर लगता है। अब बात करते हैं कि भैया बूट के अंदर है वो क्या सारा मामला आता है, तो बूट को आपको यूँ खोलना है, बूट के अंदर अच्छी बात ये है कि आपको ये लाइट जो है बूट लाइट वो भी आपको आ जाती है और ये कुछ ऐसा मामला नीचे आता है, आप एक अच्छा खासा हेलमेट वो रख सकते हो अंदर, इतना सा स्पेस आपको मिलता है और ये टूल किट वगैरह फर्स्ट एड किट वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। फ्यूल के लिए है ये, आपको 5.2 लीटर का ये फ्यूल टैंक है वो दिखता है, यहाँ से आप अपना फ्यूल भरने वाले हो और थोड़ा अलग सा सेक्शन आपको यहाँ बनाया हुआ है, ये लॉक वगैरह लग जाते हैं, इस तरफ आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई है इस टॉप मॉडल ZX वाले की, बाकी जो लोअर जो मॉडल है उसके भी आपको मैं छोटे मोटे फीचर्स वो अंदर जाके दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए ये वाला जो है ये मेरे पास में सबसे लोअर वाला वेरिएंट है LX वाला, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें सेम आती है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है बट ये जो कॉर्नरिंग लाइट है यहाँ पे आपको ये कुछ कवर वगैरह लगा दिया, ये सारी चीज़ें होगी। सामने आपको डायमंड कट अलॉय व्हील है वो नहीं आ रहे, डिस्क ब्रेक है वो भी नहीं आ रहे, 90/90 का टायर आ रहा है वो सही है बट पीछे वाला भी टायर है ये भी आपको 90/90 वाला मिलता है, 100 सेक्शन का पीछे टायर आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलता है और टॉप मॉडल में आपको यूरो ग्रिप का टायर है वो मिल रहा था, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। और जो बड़ा डिफरेंस आता है वो यहाँ पे ये सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर आता है, छोटी सी MID है, इंजन चेक लाइट वगैरह यहाँ आ जाती है, स्पीड है ये आपको एनालॉग के अंदर आपको दिखती है और ये कुछ बेसिक सी फिनिश है यहाँ पे आती है
तो ये फ़र्क हो गया। और i3 ऐसा ये लोअर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं आता है, तो बस ये मोटा मोटी रूप से आपको डिफरेंस है वो आ जाते हैं और बाकी चीज़ें तो सब आपको सेम ही मिलने वाली है। तो ये है LX वेरिएंट। अब इसके प्राइस की बात करें ना तो ये लगभग 83,000 ऑन रोड डेली के अंदर आपको आने वाला है। दिखने में ये भी सेम है बट कुछ फीचर्स वगैरह है ये आपको कट डाउन यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके जी, तो ये था वोकांड हीरो जूम का। अब ये जो ZX वेरिएंट है, जैसे कि मैं आपको बताया कि इसकी प्राइस लगभग 92,000 ऑन रोड चली जाती है। इससे नीचे जो VX आता है ये लगभग 86 चला जाता है, और लास्ट का जो मैंने आपको अभी दिखाया LX वाला वो लगभग 83,000 ऑन रोड प्राइस इसकी है, वो प्राइस उसकी प्राइस है वो चली जाती है। तो ये सारा मामला था। और आपको कौन सा वेरिएंट है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है वो मुझे बता सकते हो। हालांकि देखो आजकल के टाइम पे सबको फीचर्स चाहिए, फीचर्स के मामले में ये पूरी तरीके से लोडेड है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। बट आपको काम चला हुआ एक स्कूटर चाहिए 110cc के अंदर, और सबसे अच्छा स्कूटर दिखने में, मतलब जो LX वाला अभी आपने देखा था ब्लू कलर वाला, वो भी कुछ ज़्यादा कुछ खास बुरा नहीं लग रहा था। फीचर्स उसके अंदर कम थे, कॉर्नरिंग लाइट वगैरह, टायर वगैरह, डिजिटल स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लैक कर रही थी, बट डिज़ाइन वाइज वो बिल्कुल सेम लग रहा था। तो ये बात है कि सबसे आजकल है ना, एक जो स्कूटर का, बाइक्स का, गाड़ियों का ये जो लुक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर आजकल करने लगा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हीरो ने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया, काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक डिज़ाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी अच्छा यह लग भी रहा है DRL के साथ में, तो क्या बढ़िया मक्खन लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, स्कूटर आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपके कुछ और सजेशन है किस वीडियो, कौन सा वीडियो बनाना, कौन सी बाइक को और बनाना, वो भी मुझे आप बता सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, और रात को लो बिम्पर जरूर चलिए। धन्यवाद।